हरियाणा के अंदर मानो धरनों की बाढ़ आ गई है। क्या चुनाव के समय पर हर महकमे के कर्मचारी अपने धरने पर बैठकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, या फिर हकीकत में ही सरकार इतनी निकम्मी है कि इन कर्मचारियों को सरकार से परेशान होकर के धरने पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, 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 अनुभव के आधार पर डीसी रेट में बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, बढ़ोतरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रही हैं सिटी बिग न्यूज। हरियाणा के अंदर जब से विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जब से सरकार की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं, तभी से हरियाणा के अंदर मानो धरनों की बाढ़ आ गई है। बात करें हिसार की तो ये इलाका सबसे आगे है, चाहे फिर बात मील गेट पर एक आम आदमी अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए धरने पर बैठा हो, या फिर सिविल अस्पताल में आशा वर्कर्स जो हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी हो, और नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी इससे अछूते नहीं है। उन्हें भी हाल ही में सरकार ने मुश्किल से वहां से हटाया है, और ऐसे में बारी आती है अब सर्व कर्मचारी संघ के इन कर्मचारियों की जो यहां पर धरने पर बैठे हैं। ऐसे में सवाल दो उठ करके आते हैं हमारे सामने। पहला ये कि क्या चुनाव के समय पर हर महकमे के कर्मचारी अपने धरने पर बैठकर सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, अपनी मांगों को मनवाना चाहते हैं, या फिर हकीकत में ही सरकार इतनी निकम्मी है कि इन कर्मचारियों को सरकार से परेशान होकर के धरने पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। ये बात का जवाब तो खुद ये कर्मचारी ही देंगे, तो चलते हैं इनकी तरफ और जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मांजरा क्या है, इनकी शर्तें क्या हैं, और क्या ये शर्तें जायज हैं या फिर सरकार को अपने प्रेशर में लाने की ही एक साजिश। नमस्कार सर। सुरेंद्र यादव, जिला प्रधान सर्व कर्मचारी संघ जिला हिसार। जी सर, आपकी पहले तो बताइए कि शर्तें क्या क्या हैं। आज हम उपायुक्त महोदय के दरवाजे आए। 13 अगस्त को हमने उपायुक्त महोदय को कच्चे कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर मांग पत्र दिया था, जिस पे उपायुक्त महोदय ने अभी तक सर्व कर्मचारी संघ से ना वार्ता की है, और जो उसमें मुख्य मांगे थी, हिसार का वर्ष 2019-20 का डीसी रेट जो यहाँ से उपायुक्त महोदय द्वारा जारी किया जाता है वो जारी नहीं किया गया, कल दबाव में वो जारी किया गया है आनन फानन में, और जिन कैटेगरियों में जारी किया है 6 रुपये से लेकर 30 रुपये तक बढ़ाए हैं, उनके हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से निंदा करते हैं। रही बात जो अन्य कैटेगरियाँ हैं, उस पर हमने लिखा था अपने पूरे प्रदेश में अनुभव के आधार पर कच्चे कर्मचारियों का वेतनमान तय है 0 से 3 साल, 3 से 6 साल और 6 साल से अबो, 3 कैटेगरियों में कच्चे कर्मचारियों को बांटा गया है और अनुभव के आधार पर तय, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं किया गया। नॉर्मल जो आज लगा है उसको भी वही रेट है, और जो 10 साल से काम कर रहा है उसको भी वही रेट है। एक तो हमारी मुख्य मांग ये है। दूसरी, जो लोकसभा चुनाव थे हमारे कर्मचारी और अधिकारी जिनने लोकसभा चुनाव के दौरान ड्यूटियाँ दी थी, वो ड्यूटियों का मानदेय बनता है और वो नगद की नगद हैंडओवर हमारे करवा दिया जाता है, लेकिन ये जो डीसी साहब हैं इन्होंने अभी तक किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया है, उसका जारी नहीं किया गया है। दूसरी डिमांड ये है। तीसरी, जो इतना बड़ा यहाँ हजारों हजार संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, इसमें मेडिकल डिस्पेंसरी नहीं है यहाँ, और 80 जो जिले के अंदर लघु सचिवालय है वहाँ डिस्पेंसरी लागू की जाए। महिलाओं के लिए विशेष रूप से यहाँ ना विश्राम करने के लिए लंच टाइम में कोई जगह है, ना उनके वॉशरूम के लिए जगह है, और जो क्रेच रूम बोला जाता है जो छोटे बच्चे साथ लेके आते हैं, क्रेच रूम की भी यहाँ सुविधा नहीं है। तीसरा, जो हमारा धरना स्थल है, सरकार ने जारी किया था, उपायुक्त महोदय ने जारी किया था, वो धरना स्थल पे और अन्य लोग बैठे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ धूप में बैठना पड़ता है, हमारा धरना स्थल खाली करवाया जाए। इसके अलावा जो मौलिक शिक्षा अधिकारी है वो पार्ट टाइम से जो रेगुलर पे आए हैं साथी, उनको ज्वाइन नहीं करवाया जा रहा है। 52 साथी एक है, 54 साथी एक है। रही बात धरने प्रदर्शन की, जब हमने 1-1.5 महीना पहले लिखित में दिया है भाई, और वो मार्च 2019 से लागू होना चाहिए, आज सितंबर की 13 तारीख है, 6 महीने से ज्यादा हो गए, 6.5 महीने हो चुके हैं, और
वो अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ये क्या जिम्मेवारी हमारी बनती है? हमें मजबूरी में आके और तब जाके हम आंदोलन पे आते हैं। प्रशासन का अपने आप एक तारीख को इंक्रीज करके और डीसी रेट बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। जब आंदोलन करते हैं तब उसके बाद डीसी रेट तय किया जाता है, और अब जो तय किया गया है, जब हमने नोटिस दिया इनको 5 तारीख को, उसके बाद आनन फानन में तैयार किया गया 3% से ज्यादा बढ़ोतरी किसी भी कैटेगरी में नहीं की गई है। हमारी मांग है अनुभव के आधार पे तय किया जाए, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। रही बात सरकार की, राज्य सरकार ने 20 जुलाई को कर्मचारियों से जो वायदे किए थे, उसके बाद हमारी 8 सितंबर की रैली थी, और रैली में सरकार ने करनाल के उपायुक्त महोदय द्वारा सरकार से वार्ता करने के लिए 4:30 बजे का टाइम 9 तारीख को दिया गया था। वहाँ सरकार ने वार्ता ना करके खुल्लर साहब ने हमारे कर्मचारियों को अपमान किया। जब हमने 10 तारीख को यहाँ पर्तियां जलाई पूरे प्रदेश में सरकार की और प्रशासन की, उसके बाद में सरकार ने कल फिर दोबारा बुलाया, लेकिन डाक के वही 3 पात हैं, कल भी उन बातों पर सहमति नहीं बन पाई, और सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं का कल फिर वही ढुलमुल रवैया सरकार ने अपनाते हुए अपमान करने का ही काम किया है। सर्व कर्मचारी संघ ना नाजायज प्रेशर बनाता है, ना किसी प्रकार की नाजायज बात करता है। हमने ये मुद्दे सरकार से 5 साल पहले सरकार को रिटर्न में दे रखे हैं, हड़ताल से पहले लिख के देते हैं, रैली से पहले लिख के देते हैं, लेकिन सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती है। सिर्फ मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कर्मचारी की छवि खराब करना चाहते हैं। हमें कोई शौक नहीं है कि हम रोजाना धरने प्रदर्शन इतनी उमस भरी गर्मी के अंदर हम करें। हम आम जनता की सेवा करने के लिए काम करते हैं, और इसके लिए जब वेतनमान ही नहीं मिलेगा तो फिर आप समझ सकते हैं इसमें। सर, आपने पहले मुझे ये बताइए कि आपने ये जो शर्तें आपने गिनवा रही हैं, कब से इन शर्तों का ब्यौरा आपने प्रशासन को दिया था? प्रशासन को हमने ये शर्तें वैसे पहले मौखिक रूप से 4-5 बार बात हो गई थी, ठीक है, लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। 13 अगस्त को हमने जब रिटर्न में लिख के दिया है अपने लेटर पैड पे, जिला के लेटर पैड पे, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये समस्याएं कब से आ रही हैं आपको? ये समस्याएं चलती रही हैं, कंटिन्यू है। तो फिर ऐसा ही क्यों जी कि जब चुनाव सिर पर है तभी आप जो है आप लिखित में दे रहे हैं? चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। जब आपको मैंने पहले भी बोला है कि मार्च से ये लागू होना चाहिए था, और मार्च के बाद आज आप 6.5 महीने, हर साल मार्च में डीसी रेट रिवाइज होता है, ठीक है, और पिछली हर साल होता आया है क्या? पिछली बार भी हमने दिसंबर में जाके धरना लगाना पड़ा था, तब जाके उपायुक्त महोदय ने रेट बढ़ाया था। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ही इतनी निकम्मी है कि आपको हर साल अपनी बातें मनवाने के लिए जो है धरने पर उतरना पड़ता है। उपायुक्त महोदय हमारे से अभी बात करें और अनुभव के आधार पर तय करें, हम 1 घंटे में यहाँ से धरना स्थल को छोड़ के अपनी ड्यूटियों पे चले जाएंगे, हम ये कहना चाहते हैं। हाँ, जब प्रशासन हमारी मांग नहीं सुनता है तो मजबूरी वश हमें आंदोलन करना पड़ता है, जो कि ट्रेड यूनियन की लाइन है। जी सर, अगर प्रशासन और सरकार अब भी आपकी बात नहीं सुनती है तो इस पर आपका क्या रवैया रहेगा? अगर प्रशासन हमारे निश्चित तौर पे बात ना सुनेगा, हमारे पास हथियार ट्रेड यूनियनों में यही है अपनी बात मनवाने के लिए, ठीक है, धरने करेंगे हम, प्रदर्शन करेंगे, यही करेंगे जी, ठीक है, लेकिन जानबूझ के प्रशासन ये कर रहा है, सरकार की सह है इसमें, जनता के बीच में कर्मचारियों को बदनाम करा जाए। जब पिछले साल हमने दिसंबर में धरना लगा के ही डीसी रेट, क्योंकि डीसी का जो इशार है उसका नैतिक फर्ज है कि 1 मार्च से डीसी रेट लागू होता है, और पूरे प्रदेश में जिस तरह से बढ़ा है डीसी रेट, यहाँ भी बढ़ाए। बिल्कुल। हाँ। क्या सर, आप अभी मैंने आपकी शर्तों में एक ये भी नारा सुना था कि जो कच्चे कर्मचारी सरकार के द्वारा हटाए गए हैं उन्हें दोबारा से वापिस लाया जाए, तो क्या लगता है आपको जो मंदी का दौर है, जो हर जगह से नौकरियां जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसका असर भी इस पर दिखाई नहीं दे रहा? सरकार की साफ नीयत है विभागों को धीरे धीरे करके तोड़ा जाए और ख़त्म किया जाए, ठीक है। मंदी की मार के बारे में तो ये है, सरकार जो बार बार नोटबंदी की है, जीएसटी लागू की है, उससे जो बड़ी कंपनियां हैं उसकी विकास दर रुक गई है, और लोगों की जेब में जब पैसा नहीं होगा तो खरीदने कहाँ जाएंगे। उसका मुख्य कारण ये है, बेरोजगारी बढ़ रही है, विभागों को तोड़ा जाए और प्राइवेट कंपनियों को शोषण करने के लिए, युवा बेरोजगारों को शोषण करने के लिए उकसाया जा रहा है और वहाँ तैयार किया जा रहा है, ठीक है।
तो क्या ये बेरोजगारी, जो मंदी के चलते जो बेरोजगारी आई है, उसी का असर आप मानते हैं कि आपके भी कर्मचारी संघ पर पड़ा है, कर्मचारियों पर? रेगुलर कर्मचारी पर तो इसका असर नहीं है, लेकिन जो कच्चे कर्मचारी हैं उनका शोषण हो रहा है और सरकार की नीतियों के द्वारा हो रहा है। उसका मंदी का मामला नहीं है, नीतिगत मामला है। सरकार जो ठेकेदारों के माध्यम से ये काम कर रही है उसके तहत ये असर आ रहा है। तो ये जो सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान है, जिन्होंने हमें अपनी शर्तों के बारे में जो है अवगत करवाया, जिन्हें सुनकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी मांगे भी गलत नहीं है, प्रशासन से ये जो है पूरी तरह से परेशान है, ऐसे में सरकार से ये गुजारिश करती हूँ कि सरकार कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाले जिससे इन लोगों की मांगे भी पूरी हो जाएं और इन्हें जो है अपनी नौकरियों से हाथ भी धोना नहीं पड़े और सरकार के साथ भी इनकी सीधी बातचीत हो और सरकार को भी इसका नुकसान उठाना ना पड़े। आगे भी सिटी बिग न्यूज इसी तरह के मुद्दे आपके सामने लेकर के आता रहेगा, जिसे देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज सिटी बिग न्यूज। नमस्कार। शहर की हर खबर को सबसे पहले जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज। इसके साथ ही ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना भी न भूलें।